वेलकम बैक ऑन जियो कनाडा। हमारे साथ हैं कनाडा कंट्री से गुरदेव सिंह सज्जन साहब, और ये काम करते हैं इंश्योरेंस का सुपरविजन के लिए। आपकी बहुत सारी जानकारी आपको देंगे। आपके कई सवाल होते हैं, हमसे पूछते हैं कि सुपर वीजा आप कैसे ले सकते हैं, कितना उसका मेडिकल, कितना पैसे लगते हैं, और क्या यहाँ पर आने के बाद एक दो महीने का मेडिकल लेकर यहाँ आने के बाद हम कैंसिल करा सकते हैं उसको। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लोग कराते भी थे ये, तो सारी जानकारी लेंगे इनके साथ। और वेलकम हमारे चैनल पर आपका गुरदेव सिंह सज्जन साहब, और प्लीज़ आप बताइए हमारे। हाँ जी, पहला असी कमलजीत सिंह जी जियो कैनेडा से इन्होंने मौका दिता सी, इन्हां दा धन्नवाद करते हैं जी। अज असी गल कर रहे हैं सुपर वीजा। सुपर वीजा दे विच साडे ग्रैंड पेरेंट्स ते पेरेंट्स आ जाते हैं। कोई भी जो तुसी इत्थे आ जाने हो, जो तुसी अपने पी आर आ, तां वी तुसी अपने पेरेंट्स नूं कर सकते हो सुपर वीजा ते स्पोंसर। स्पोंसरशिप दे नाल तुसी इह जिहड़ा सुपर वीजा प्लैन आ ला सकते हैं। अज तो जो तुसी 3 महीने तक उहदी डेट एक्सटेंड पा के सुपर वीजा की इंश्योरेंस नाल अपनी स्पोंसर दे भेज दिंदे आ, तां उस दे नाल तुहाडे पेरेंट्स नूं 5 साल तो 7 साल तो इत्थे रहिण दी जिहड़ी आ परमिशन मिल जाती है। जदों असी सुपर वीजा करते हाँ तां मंथली प्लैन जिहड़े ऑलरेडी बंद हो चुके आ, उहदे नाल जिहड़े वीजे डिनाई हो रहे आ। हुण इमीग्रेशन ऑफिसर पहलां इही देखदा है वी एनुअल प्लैन हैगा कि नहीं है। जिन्हां नूं एनुअल प्लैन है उहनां नूं वीजा मिल जाँदा है। पेरेंट्स 5 तो 7 साल रह सकते हैं, तो इस दे नाल साडे इत्थे सारे मेडिकल खर्चे कवर हुंदे आ। ओ किस तरह तुसीं उहनां नूं किहड़ियां किहड़ियां टर्म कंडीशनां किस तरह कवर हुंदे, नाल नंबर थल्ले चल रहा तुसीं कॉल कर सकते हो। गूगल ते भी मेरा नाम ते नंबर सर्च कर सकते, मेरी इनफॉर्मेशन मिल सकती आ। हांजी कमलजीत सिंह जी, तुहाडा धन्नवाद जी सुपर वीजा दे लई। मैं इनका नंबर भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनकी ईमेल आईडी भी हम आपको देंगे। आपका कोई भी सवाल हो तो आप इनसे डायरेक्ट बात भी कर सकते। उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि आपके विश्वास पर ये खरा उतरेंगे, तो आप जरूर इनको संपर्क कर सकते हैं। कुछ बताइए, कुछ खर्चा कितना होता है वैसे अगर बताना चाहें तो। हाँ जी, सुपर वीजा के मान लो जो आप 60 साल के पेरेंट्स की एज ले लें, मेल फीमेल की, उन्होंने दोनों जने का जीरो डिटैक्टेबल जो प्रीमियम आ 3,000 to $3,200 के नेड़े तेड़े हो सकता है। बट साढ़े को डिफरेंट डिफरेंट कंपनियां हैं, उन्होंने मैं जिंद कंपनी का प्रीमियम वधिया होगा उस ही वो पॉलिसी आप सेल करांगे, ताकि जेडे साडे सरोते आ जां क्लाइंट आ उन्हां दी पैसे भी ना खराब होण, ते उन्हां दा जिहड़ा वेटिंग पीरियड भी घट होवे, जिस दे नाल उन्हां दे पेरेंट्स नूं छेती तों छेती वीजा मिल सके ते उह कैनेडा दी धरती ते अपने बच्चियां दे कोल आ सकण। कई वारी इंडिया कोई उन्हां नूं पिछे सांभणे नहीं हुंदा, तां उह छेती तों छेती इत्थे बुलाउणा चाहुंदे आ। सही प्रोसैसिंग करो, सही पेपर वर्क लाओ, छेती तों छेती तुहानूं वीजा मिल जाएगा, तुहाडे पेरेंट्स तुहाडे कोल आ जाणगे। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਸਾਲ to 7 ਸਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ $3,000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ $2,500 ਇੱਕ ਰੂਮ ਦਾ ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਲੈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨ ਆ ਉੱਥੇ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਲੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪ ਲੈਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਕੋ ਇਨਸ਼ੋ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪੜੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਚੱਕਦੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਪਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਚੱਕਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਬਤਾਈ ਹਮਕੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਔਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਜੈਸੇ ਜਬ ਮਾਂ ਬਾਪ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਤੇ ਹੈ ਤਭੀ ਸੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪਲੈਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਡੇਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 28 ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ 28 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਡੇਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
जे उस डेट तक 28 दिसंबर तक पेरेंट्स नूं वीज़ा नहीं लगता एक्टिवेट होने तो पहला पहला तुसी जिन्नी बार मर्जी पॉलिसी चेंज कर सकते हो एक्सटेंड करा सकते हैं एक्सटेंड कर सकते हैं जी पर हाँ जी पेरेंट्स कई बार सानू चेते भुल जाता जां साडे जिहड़े स्रोते आ उन्हां नूं मिस हो जाता भी साडे तों डेट होई तां एक्सटेंड नहीं करा हुई पेरेंट्स आए ज नहीं आए वीज़ा लगा ज नहीं लगा पॉलिसी जिहड़ी एक्टिवेट हो जाणी आ इस तरीक इस चीज़ का तुसी बहुत ही ख्याल रखना है कि जिहड़ी डेट आ कदी पाई हुई आ उस तों पहला पहला जिन्नी मर्जी मार तुसी डेट नूं एक्सटेंड कर सकते हो। होर कुछ दसना चाहो कनाडा कंट्री दे बारे सर? हाँ जी कनाडा कंट्री बहुत सोहना है जी तुसी इत्थे रहो आओ तो जिन्ना तुसी हार्ड वर्क करोगे उन्ना ही तुसी इत्थे सक्सैस होवोगे हार्ड वर्क करना पैना पेरेंट्स नूं बुला के तुसी उन्हां नूं इत्थे देखभाल रख सकते हो सुपरविजा उन्हां दा मैडिकल खर्चा है वह तुसी लै के जल्द तो जल्द अपने ग्रैंड पेरेंट्स ते पेरेंट्स नूं इत्थे बुलाओ बहुत ही वधिया वैदर आ बहुत सारिया चीज़ां बहुत वधिया है जी पर काम तुहानू करना पैना एक कैनेडा दी खासियत है जी। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए इतनी अच्छी आपने जानकारी दी आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आपके साथ हम बात जारी रखेंगे कभी ना कभी लाएंगे आपको फिर दोबारा और पूछते रहेंगे आपके से कई चीज़ें जो कि हमसे पूछते हैं हमारे सब्सक्राइबर भी हमारे जो हमको देखते हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल जी धन्यवाद जी। नानक नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार जो शरदा कर सेंदे गुरपार उतारन हार।